आज के जो लड़के हमारी उम्र के बच्चे जो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, क्लबों में जाके रात रात शराब पी के डिस्को कर रहे हैं, इन लड़कों को थोड़ा समझाओ, आज के यूथ को समझाओ, बेटा ये उम्र तुम्हारी नाचने की नहीं है, ये उम्र कामयाब होने की है, ये उम्र सफल होने की है। 20 साल से लेकर 30 साल का जो टाइम पीरियड है, मैंने कल भी इस पर बात की, आज फिर बात करूं, 20 साल से लेकर 30 साल की जो उम्र है, इस उम्र में या तो लड़के बनते हैं या तो बिगड़ते हैं, हाँ या ना, यही उम्र है बनने की। और यही 10 साल, सिर्फ 10 साल, 10-20 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र, यही है इतिहास रचने का टाइम। या तो इतिहास रच के अपना नाम अमर कर लो, या तो फिर कौड़ी बदले जाओ, कौड़ी की कीमत। जितना आपके बच्चे तपेंगे, जितनी जिम्मेदारी माँ बाप देंगे, उतना आप निखरेंगे। मुझे मेरे समय ने समय के पहले मैच्योर क्यों कर दिया, परिपक्व क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने जीवन का हर दौर देखा है, मैंने दुख बहुत देखे, अपमान बहुत देखा, संकट बहुत देखे, अपना पराया बहुत देखा, सबको देखते देखते ना जीवन आपको इतने कोड़े पड़ते हैं, इतना ठोकरें लगती हैं कि आप मजबूत हो जाते हैं। वो ठोकरें जरूरी हैं साहब, ठोकरें जरूरी हैं। रावण विभीषण को लात ना मारता तो विचार करो विभीषण को राम का दर्शन होता, बताओ। सुरुचि मां ने अपमान ना किया होता ध्रुव जी का तो ध्रुव जी को भगवान का दर्शन होता। 14 साल के लिए कैकई मां ने राम को वनवास ना दिया होता तो क्या राम की घर घर पूजा होती, राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते। कैकई मां ने वनवास भेजा और वनवास में 14 साल का वो दुख सहे तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनके निखर करके आए। आप 14 साल वनवास ना जाते तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम ना कहलाते। आपका वो तपना, आपका वो अपमान सहना, आपका वो स्ट्रगल करना आपकी कीमत बढ़ाता है। जितना सुख देंगे अपने बच्चों को, आपके बच्चों के बिगड़ने की उतनी अधिक संभावना होंगी। और बच्चे जितना स्ट्रगल से गुजरेंगे, जितना कष्ट पाएंगे, पढ़ाई के दौरान लाइट नहीं है, हम लोग मिट्टी का तेल की डिब्बी होती थी, लालटेन का जमाना आप लोगों ने, आजकल के बच्चे लालटेन के जमाना नहीं जानेंगे, हम लोग लालटेन और मिट्टी के तेल की डिब्बियां जलाकर उसकी ज्योति में, उसके प्रकाश में पढ़ाई करते थे। लाइट वाइट तो होती नहीं थी, कम होती थी, पंखा होता ही नहीं था। हमारे घर में पहला पंखा आया, पिताजी लेकर आए तो उस पंखे के सामने हम लोग जाके बैठ जाएं, लेट जाएं। पहली बार पंखा आया था हमारे घर में, हमें अच्छे से याद है, हम लोगों ने उस वो वाला पंखा यूं नहीं, छोटा सा आता रहा उठा के ले चलो, सिन्नी का। जिसमें ऐसी बटन थी, यूं चला, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तेज चलेगा और तेज चलेगा और फास्ट, सफेद कलर की उसकी बटन थी, यूं चलती थी यूं, हाँ या ना, छोटा सा पंखा इतना सा। फिर बारिश होती थी तो हमारे घर में पानी बाहर नहीं गिरता था, सारा पानी भीतर, पूरी रात हम लोगों को याद है, पानी बरसता था तो पूरा घर टपकता रहता था, उसमें बर्तन लगाते, मैया हमारी माँ लगाती, हम लोग भी लगाते, बर्तन लगाते रहते पूरे घर में, बर्तन अंदर पूरे जितने बर्तन थे सब बिजी हो जाते थे उस समय जब पानी बरसता था, पूरा घर चूता था। ये सारे दौर देखने के बाद, सारा समय देखने के बाद व्यक्ति मजबूत होता है।
इसलिए आप सुख को अच्छा मत मानिए, सुख कमजोर करता है, दुख मजबूत करता है। गांव का बूढ़ा और शहर का बूढ़ा, बताओ कौन मजबूत है? शहर का बूढ़ा बादाम खाने वाला है, जूस पीने वाला है, और गांव का बूढ़ा नमक रोटी खाने वाला है, पर गांव का बूढ़ा शहर के बूढ़े को एक जमा देगा तो शहर का बूढ़ा निपट जाएगा। आप प्रैक्टिकल कर लो, पकड़ लो एक दूसरे का हाथ, लड़ा दो दोनों को, देखो कौन जीतता है। गांव का बूढ़ा नमक रोटी खाता है चटनी के साथ, चटनी रोटी, हाँ या ना? और शहर में बादाम काजू मिलती है। आप संपन्न हैं तो खाओ, लेकिन एक बार कुश्ती कर लो गांव के बूढ़े से, चटनी रोटी वाले से और बादाम काजू वाले से, तो चटनी वाला जीतेगा, हाँ या ना? क्योंकि उसके हालात ने उसे मजबूत बनाया है, बादाम काजू मजबूत नहीं बनाती, हालात समय मजबूत बनाता है साहब, याद रखना। बासी रोटी भी मजबूत करती है। आपको कोई टेंशन नहीं है, निश्चिंत हैं आप, तो आपको नमक रोटी भी अंग लगेगी, और आप बहुत टेंशन में हैं तो बादाम भी अंग नहीं लगती, हाँ या ना? गांव का बच्चा ज्यादा मजबूत होता है शहर के बच्चे से, शहर का बच्चा कमजोर होता है। आप कितना भी जिम कर लो, गांव का जो किसान का लड़का खेत में जाके माटी खोदता है, तुम जिम वाले चले जाओ उसके पास, और गांव का माटी खोदने वाले लड़के से भिड़ लो, तो तुम्हारी जिम में एक तरफ रह जाएगी और माटी खोदने वाले का हाथ पड़ जाएगा, उड़ जाओगे, उसके हाथ नहीं पत्थर हो गया। किसान माटी खोदता है साहब, तो वो हथौड़ा चलाता है, वो कुल्हाड़ी से, दिन भर उसका कुल्हाड़ी चलती है। तो समय आप जितना स्ट्रगल करेंगे, आप जितना अपने आप को सुख देंगे, उतने कमजोर होंगे, और जितना आप अपने आप को तपाएंगे उतने आप मजबूत होंगे। मजबूती जरूरी है। बच्चों को 20 साल से 30 साल की उम्र में कुछ साबित करके दिखा देना चाहिए कि हाँ हम हैं। 30 साल में, 30 साल वो आपका वो टाइम है जब आपको समाज को ये बता देना चाहिए, परिवार को, माँ बाप को, कि हाँ हम सफलता की ओर हैं, सफलता की सीढ़ी। 30 साल और लो तो 35 साल तक तो बिल्कुल कामयाब हो जाओ, 35 से 45 तक स्थिर रहो और टॉप पे जाओ और बढ़ो, फिर देखो एक समय आने के बाद शरीर कमजोर पड़ता है,